अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन, सोशल वर्कर। इस वक्त घोड़े की खबर से पहले मैं ये सुजात खान मस्जिद बोल के मशहूर है, आप देख सकते हैं सुजात खान मस्जिद है। यहाँ से मोहरियों का पानी भर के तकरीबन जा रहा है, यहाँ मस्जिद की गेट है, आप देख सकते हैं वीडियो के जरिए। ये देखिए पूरा पानी यहाँ से पूरा नीचे उतरता पानी है। यहाँ हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को जाने करने तकलीफ हो रही, आपको पूरा बता रहा हूँ मैं वीडियो के जरिए। पूरा वीडियो देखो आप, ये दुकाना वगैरह है, सबको तकलीफ हो रही है। आपको वीडियो के जरिए बता रहा हूँ मैं, ये खदीम मस्जिद है। ये तो यहाँ के जीएमसी वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द काम कराएं मेरे भाई, क्योंकि पूरा गंदा पानी उछल रहा, आप देख सकते हैं कैसा पानी यहाँ पर बह रहा, आप देखिए, आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा पानी के छींटे उछल रहे लोगों के ऊपर। ये देखिए ये मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं वीडियो के जरिए, पूरा वहां तक रोड तक जा रहा पानी। तो यहाँ के एमएलए राजा सिंह साहब है, उन्होंने सिर्फ वोट लेने आते, सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझने आती, तो चाहिए कि जीएमसी वालों से यहाँ काम कराए। राजा सिंह एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि काम कराए वीडियो के जरिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन, सोशल, वीडियो के जरिए बता रहा हूँ मैं आपको, सुने भाई। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन, सोशल वर्कर। इस वक्त घोड़े की खबर कहने हूँ मैं, आसपास सुजात खान बोल के खदीम मस्जिद है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर यकीन नहीं मानेंगे, 4 से 5 हफ्ते से मोरी का पानी भरा, इधर बताओ नुमान, मोरी का पानी चटो, आप देख सकते हैं यहाँ पर मस्जिद को लोगों को आने जाने इतनी तकलीफ हो रही, पूछो मत आप। अब यहाँ पर कोई बोलने वाले नहीं है, कोई भी पूछे तो भाई हम बोल के लोगों को थके बोल रहे, दुकाने वालों को भी तकलीफ हो रही, आने जाने वालों को तकलीफ हो रही, इतना गंदा पानी भर रहा कि पूछो न को आप। मस्जिद है बाजू, मस्जिद है बाजू, मस्जिद में नमाजियों को जाने आने के वास्ते मुसल्लियों को बहुत तकलीफ हो रही, जब भी करते अधूरा काम, पूरा काम कंप्लीट करे तो जो है पूरे मेहनत वालों के ढकना उखड़ जा रहे, पानी भर रहा हर वक्त, जो है एक दो तीन दिन सूखा रहता है, उसके बाद फिर ऐसी बात। आपका नाम? शेख इब्राहिम। नाम है मस्जिद का? बड़ी मस्जिद सुजात खान। ये कितने दिन से जा रहा पानी है? ये 5-6 दिन से है ये। अच्छा, तो 4 हफ्ते बोल रहे हैं के लोग? हाँ, एक आध दिन करते की रहता राइट, उसके बाद फिर वैसे हो जाता। जीएमसी वाले, मोरी वाले, यहाँ के एमएलए कोई भी नहीं आते? कोई नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, नहीं कोई नहीं आते। आप देख सकते कोई लीडर नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई कारपेंटर नहीं, यहाँ से पानी कहाँ तक भाई के जा रहा देखो आप। इधर आओ नुमान, इधर आओ, ये मस्जिद है देखिए आप, आप देख सकते हैं इधर मस्जिद में नमाज भी चल रही है। आपको हुकूमत के चाहिए कि यहाँ के राजा सिंह एमएलए है, उनका काम है कि लोग वोट दिए उनको, तो उन्होंने आके पूरा देखना यहाँ पर, क्या खाली 5 साल के बाद देखो गली में जाके खटके मार देगा वोट दियो बोल के, निकलना था आप हिंदू मुसलमान आपको चाहते ना तो निकल के उनको वोट देना। आप हिंदुआ भी उतरे छे, हमारे मुसलमान भाइयाँ भी उतरे छे। अब यहाँ पर कुछ भी अगर हादसा हुआ, कुछ भी होगा तो कौन जिम्मेदार? जीएमसी वाले क्या कर रहे हैं, खाली आ रहे 2 दिन आ रहे काम कर रहे। अब यहाँ हिंदू भाइयों की परेशानी, आगे मंदिर भी है, वहाँ पर का भी कचरा बताया मैं, आप देखो कितना गंदा पानी है। अगर कोई मंदिर को जा रहा तो क्या छींटे उछाले के क्या मंदिर को जाएगा, क्या मस्जिद को जाएंगे, क्या छींटे उछाले थे आप, बोलो आप। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द काम करे, यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी भरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन। देखिए भाई पूरा मोरी का पानी कहाँ से कहाँ तक बह के जा रहा है, दुकान है आजुक बाजुक, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही। ये पूरा गंदा पानी है, मोरी के पानी के वजह से भी यहाँ पर ट्रैफिक भी हो रही है, आप देख सकते हैं वीडियो। ये मस्जिद के बाजू का नज़ारा ये आप देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन, सोशल वर्क।